देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या है, देखिए कल्चर काउंसिल सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग पार्टिसिपेट करें, ऑफ कोर्स लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, बट सबसे ज़्यादा वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी, जहाँ एक आईटी के जैसे एकदम इतना हाई यहाँ पे टाइट शेड्यूल होता है, लोग काफ़ी हेक्टिक होता है, तो कल्चर काउंसिल एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। तो मैंने सबसे पहला यही रहेगा कि जो जो भी कल्चर काउंसिल के अंदर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेगी, तो उसमें क्या चल रहा है, काउंसिल में क्या हो रहा है, ये लोगों को पता चले सके। अभी जैसे ये है कि अच्छे से जो इवेंट्स आ रहे होते हैं वो कवर नहीं हो पाते हैं बहुत इजीली, ठीक है। जैसे हमारे कैंपस में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, पोएम्स आर्टिकल्स, तो वो जनरली आई नो कि ALSHS के ब्लॉग्स हैं, बट एक प्रॉपर जैसे काफ़ी अच्छे लोग हैं जो पोएम्स लिखते हैं, तो उन लोगों की पोएम्स अच्छे से अगर हम एक वेबसाइट पर डालें, अभी प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो अगर वेबसाइट पे डालें, ठीक है, तो लोग उसको इजीली रीच कर सकेंगे, तो ज़्यादा लोग उसको अगर देखेंगे तो ज़्यादा लोग एंटरटेन होंगे। तो ये होता है कि अगर अभी आईटीके से बाहर लोगों को नहीं पता चलता कि आईटीके में कल्चर कैसा है, ठीक है, तो अगर किसी को सबसे पहले आईटीके का कल्चर का पता करना होगा तो सबसे पहले वेबसाइट पर ही रीच करें। पॉइंट नंबर टू विल बी लाइक कि अभी क्या है कि हमारे कल्चर में मतलब जो भी काउंसिल के अंदर इवेंट्स होते हैं काफ़ी स्कैटर्ड होता है, जिस वजह से क्या होता है कि दूसरे लोगों को दूसरी मतलब हॉल इवेंट्स, हॉल लेवल इवेंट्स जो होते हैं उनको शेड्यूल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा है उन सारे इवेंट्स को अगर क्लब करके हम एक एक इवेंट कर सके, एक इंट्रा मतलब एक इंट्रा कॉलेज फेस्टिवल की तरह कर सके उसको, तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे मैंने सोचा कि अगर जैसे जो DE होती है, ME होती है और ड्राइविंग होती है, ये तीनों को अगर हम क्लब करके अगर 2 दिन के अंदर शेड्यूल करें, इससे क्या होगा, एक तो जो दूसरे क्लब्स हैं लाइक फाइन आर्ट्स, HSS, ELS, जिनको साल भर में एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ठीक है, जैसे क्योंकि कुछ परफॉर्म करने के लिए, एक तो उन क्लब्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, जैसे अगर हम इनको शेड्यूल करा हमने एक छोटे छोटे क्लब्स में, तो बीच में वो भी अपना सैंड आर्ट ये सब चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। एंड द पॉइंट नंबर 3 विल बी PG पार्टिसिपेशन मेनली। अभी क्या होता है कि UG ओरिएंटेशन में सब क्लब्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, सब लोग अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो साल भर में क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, उनका क्या क्या शेड्यूल रहता है, साथ में वो एक 20 मिनट या आधे घंटे की एक परफॉर्मेंस भी देते हैं जिससे यूजली लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी क्या ये PG ओरिएंटेशन में नहीं होता है, जिस वजह से क्या है कि ऑफकोर्स अगर जब तक PG कम्युनिटी को पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से क्लब्स हैं, क्या क्या करते हैं, ठीक है, और मेनली मैं मानता हूँ कि जो परफॉर्मेंस होती है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर PG ओरिएंटेशन में भी होगी तो ऑफकोर्स जब PG शुरुआत में आता है तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है ये, अगर वो शुरुआत के एक महीने या फिर पहले सेमेस्टर में अगर नहीं आता तो उसके बाद हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो आ पाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स आप एक बार जब शुरुआत में लिंक करते हैं किसी क्लब से तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर PG ओरिएंटेशन में भी अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ऑफकोर्स वो आएंगे, सबसे ज़्यादा ऑडिशन सब ही होते हैं, उसके जस्ट बाद हम हमेशा उस ओरिएंटेशन में डेट्स भी बताते हैं, तो वो ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का अगेन आई विल रिपीट हार्ड वर्किंग है, दूसरी बात बोल्डनेस, ठीक है, कुछ इश्यूज के ऊपर यहाँ के IT के लोग काफी ज्यादा मतलब जो हम बाहर इतना हम नहीं देखते हैं, तो काफी सोशल इश्यूज पे यहाँ के लोग काफी ज्यादा बोल्डनेस, और दूसरा है काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होना यहाँ के लोगों को, मतलब यहाँ के लोग काफी ज्यादा न्यूज और ये सब चीजें काफी मतलब इन चीजों पर काफी इन्फॉर्म्ड रहते हैं, तो काफी ज्यादा इन्फॉर्म्ड है यहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आपने जैसे अभी देखा भी होगा कि निर्वाक ने इसके लिए काफ़ी एक रोल प्ले किया था, इसी इशू को काफ़ी रेज किया था, तो आई नो वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया था, बट इसी तरीके से आई थिंक जैसे निर्वाक ने किया वैसे ही आई थिंक ड्राइंग क्लब भी इस इशू को रेज कर सकता है, ठीक है। आई नो कि कैंपस में अभी ये इशू इतना आई नो है, ये किसी लेवल पे है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा लेवल पे है, कम लेवल पे है, मैं उसको लेवलाइज नहीं कर जा रहा, बट ये इशू है। देखिए अभी जैसे एक प्रॉब्लम मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लब्स में भी, इवन कल्चर काउंसिल क्लब्स में भी अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आएंगी तो क्लब्स में भी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, तो हमें बेसिकली क्लब्स को काफ़ी अगर हम इसी चीज़ में इस इशू से अगर क्लब्स को दूर रखें, ठीक है, अगर हम गर्ल्स में ये गर्ल्स एंड बॉयज जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये चीज़ें हटाएं, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट में भी लाइक
ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अभी मतलब इस चीज का थोड़ा हो गया कि अगर जैसे कैंपस में अगर कोई किसी लड़की के साथ अगर घूम भी रहा है तो लोग देखने लगते हैं, मतलब इस टाइप की चीजें फील की गई हैं, ठीक है, लोग काफी मतलब आई नो कि अगर यही चीज अगर लड़के और लड़की अगर साथ में कल्चर काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि होता भी है, तो ये चीज इस चीज को काफी हटा सकता है कि हाँ भाई अगर बॉयज एंड गर्ल्स आर परफॉर्मिंग टुगेदर एंड दे आर लाइक इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज टुगेदर, तो ये चीजें इस चीज को दूर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कुड रेज द इशू थ्रू और कल्चर क्लब, कल्चर गो वोट।